नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सकुशल होंगे। दोस्तों, इस वक्त मैं मंडपम स्टेशन से निकला हूँ। अभी एक बहुत बड़ा ब्रिज आएगा, पामबन ब्रिज, उसे क्रॉस करके मैं अपना रामेश्वर स्टेशन पहुँचूँगा। रामेश्वर स्टेशन से होटल जाऊँगा फ्रेश होके, फिर मैं आप लोगों को राम सेतु के दर्शन कराऊँगा। रामेश्वर के राम सेतु, और जिसको एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, तो मैं आज आपको राम सेतु लेके जाऊंगा। दोस्तों, रामेश्वर और धनुषकुड़ी के बीच में ये जो मंदिर है राम तीर्थम, इसका बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि इस मंदिर में रामचंद्र जी बैठकर नल और नील और अपनी वानर सेना को समुद्र में ब्रिज बनाते हुए देखा करते थे। यहाँ पर उनकी पादुकाएँ रखी हुई है। ये जो दूसरा मंदिर है, इसे कुदंत स्वामी मंदिर कहा जाता है। यहाँ इस जगह पर रामचंद्र जी और रावण के भाई विभीषण की पहली मीटिंग हुई थी, पहली मुलाकात हुई थी, और विभीषण ने सीता जी की कुशल और श्रीलंका की भौगोलिक स्थिति के बारे में श्री रामचंद्र जी को बहुत कुछ बताया था, जो कि युद्ध के टाइम में उनके काफ़ी काम आए। और यहीं पर बाद में श्रीलंका जीतने के बाद विभीषण का राज्याभिषेक भी रामचंद्र जी ने किया था। धनुषकोड़ी, किसी ज़माने में यहाँ से हनुमान, नील, नल, जामंत की सेना ने श्रीलंका में चढ़ाई करने के लिए पत्थरों का ब्रिज बनाना शुरू किया था। बाद में धनुषकोड़ी एक सफल व्यावसायिक नगर बना, और 1964 में एक भयानक सुनामी आने से यह नगर ख़त्म हो गया। यह ब्रिटिश जमाने का रेलवे का लास्ट आखिरी स्टेशन हुआ करता था। यहाँ के अवशेष इस जगह की कहानी आज भी बताते हैं। जब रामचंद्र जी को लंका पर आक्रमण करना था, सीता मैया को बचाना था, तो उनके पास एक ही मार्ग था, ये समुद्र पार करना। तो उन्होंने समुद्र देवता की मदद के लिए तपस्या की, मगर समुद्र देवता प्रकट ही नहीं हुए। श्री राम जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने समुद्र को बाण से भेद कर सुखाने का विचार किया, मगर तभी समुद्र देवता प्रकट हुए और बोले, प्रभु आप ऐसा मत कीजिए, आप अपने बानर सेना से कहिए कि मेरे ऊपर एक ब्रिज बना ले, मैं उससे थामे रहूँगा, आप क्रॉस करके श्रीलंका प्रवेश कीजिएगा। तो दोस्तों, नल और नील ने हनुमान जी के साथ मिलकर ये ब्रिज बनाना शुरू किया। यही है राम सेतु, जिसको देखने के लिए हम लोग इतनी दूर से मुंबई से यहाँ पर आए हैं। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पर विभीषण जी के कहने पर रामचंद्र जी ने बाण मार के ब्रिज तोड़ दिया था। ये हिंदुस्तान का आखिरी कोना है, राम सेतु इसी को कहते हैं। यहाँ से श्रीलंका कुछ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। कहते हैं कि अगर आप यहाँ रात को जो यहाँ के लोग हैं वो बताते हैं कि यहाँ से श्रीलंका का मुन्नार शहर, उसकी लाइटिंग रात को यहाँ से दिखाई देती है। ये जो टापू है, इसकी एक तरफ बंगाल की खाड़ी तो एक तरफ हिंद महासागर है, तो इसी जगह पर वो दोनों हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी आके मिलते हैं। हिंद महासागर का नीला कलर का पानी है, और जो थोड़ी मटमैला पानी है वो बंगाल की खाड़ी का है।
इस टापू के बाद की जगह के बारे में एक साइंस चैनल ने सैटेलाइट द्वारा ली गई फोटो दिखाकर ये दावा किया है कि राम सेतु कोई पूरी कल्पना नहीं है। दोस्तों, रामेश्वर आने के बाद मैंने आपको पामबन ब्रिज के बारे में बता दिया, धनुष पुल के बारे में पूरा एपिसोड दिया, आज मैंने आपको राम सेतु भी दिखा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे एपिसोड पसंद आते होंगे, और अगर मेरी कुछ कमी रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, मेरी कुछ कमियाँ हैं तो बताइएगा और मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और कुछ ना कुछ नई चीज़ें अभी शूटिंग के बारे में, मैं शूटिंग का फिल्मों का फोटोग्राफर हूँ, शूटिंग के बारे में कुछ इंटरव्यूज़, टूरिज़्म, मंदिरों के बारे में, इसके बारे में कुछ नई नई चीज़ें आपको दिखाऊँगा, और उम्मीद है आपको पसंद आएगा। और अपना खूब ध्यान रखिएगा, और फिर मिलूँगा किसी नई कहानी, किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखिएगा, धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और पसंद आए तो कमेंट्स अच्छा या बुरा ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।